हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेजोन से ज्वेलरी एंड क्लचेस का हॉल वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। तो आज के हॉल वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी चीज़ों की लिंक्स जो है आपको हॉल पैक की लिंक में मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप आराम से परचेस कर सकते हो। तो आज के हॉल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ज्वेलरीज एंड कुछ पार्टी वेयर क्लचेस, जो कि जैसे कि अभी वेडिंग्स का सीजन चल रहा है, तो अगर आपको वेडिंग्स वगैरह के लिए कुछ अच्छी अच्छी क्लचेस चाहिए तो आज के हॉल में आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाए। सबसे पहले जो मैं आपको चीज दिखाने वाली हूँ वो है क्लचेस से स्टार्ट करेंगे, देन ज्वेलरी भी देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो क्लच मैंने लिया है ये एक ब्यूटीफुल सा क्लच है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर। यहाँ पे ये फ्लावर्स का काम किया गया है, यहाँ पे ये पर्ल्स लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है। अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो, वेडिंग फंक्शंस में जा रहे हो, तो आप इस क्लच को अपने साथ में कैरी कर सकते हो। ये वाला क्लच जो है साड़ीज के साथ में, गाउन्स के साथ में, लहंगा के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा। और बैक साइड से ये बिल्कुल इस टाइप का प्लेन रहता है, बहुत ही सुंदर क्लच है ये, दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे ये इसका हुक है जिससे आप इसको ओपन कर सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। सो इस क्लच के अंदर में आप अपना मोबाइल आराम से डाल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लच लिया, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे क्लचेस होते हैं उनमें मोबाइल नहीं आता। तो इसके अंदर में आप अपना मोबाइल इजिली कैरी कर सकते हो। और साथ में आपको मिलती है ये वाली चेन, जिससे आप जो है इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत ये वाला क्लच है, एज अ क्लच आप इसको यूज कर सकते हो, एज अ स्लिंग आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी पार्टी वगैरह में, गाउन्स के साथ में, इंडियन आउटफिट साथ ही साथ आप जो है वेस्टर्न अटायर के साथ में भी इसको आराम से कैरी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर क्लच है ये। नेक्स्ट जो मैंने क्लच लिया है ये है एक गोल्डन कलर का क्लच, और ये भी बहुत ही सुंदर क्लच है, बहुत ही पसंद आया मुझे ये वाला। तो यहाँ पे ये गोल्डन कुछ इस टाइप के टैसल काइंड ऑफ लटक रहे हैं, जो कि काफी सुंदर एंड अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये जो क्लच है इसका कुछ इस टाइप का पैटर्न है, फ्रंट साइड से बैक साइड में ये पूरा प्लेन रहेगा, बहुत ही अच्छा वेलवेट का फैब्रिक है इसका, जो ये फैब्रिक आप देख रहे हो पूरा वेलवेट का है। तो यहाँ पे ये जो हुक है इसका, यहाँ पे डायमंड लगाया गया है, साइड्स में आप देख सकते हो डायमंड लगाया गया है। आप इसको साड़ी, गाउन वगैरह किसी के साथ में भी पहन सकते हो, एंड अंदर में काफी अच्छा खासा स्पेस रहता है। और इसके अंदर आप अपना थोड़ा बहुत कुछ मेकअप वगैरह का, लिपस्टिक वगैरह डालनी है तो आप वो डाल सकते हो। साथ में आपको मिलती है ये चेन, जिसको आप जो है इसमें अटैच करके एज ए स्लिंग भी इसको यूज कर सकते हो, और या फिर आप इसको एज ए क्लच भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर भी आप अपना मोबाइल वगैरह आराम से डाल सकते हो, ताकि ये ना हो कि आप मोबाइल कहाँ डालो। अगर आपने साड़ी या गाउन पहना है तो आप, अगर आपने क्लच कैरी किया उसके अंदर अगर मोबाइल आप नहीं डाल सकते तो फिर उस क्लच का क्या मतलब। क्लच जो है सुंदर दिखने के साथ साथ उसके अंदर मोबाइल और जो जरूरी चीजें होती है, थोड़े बहुत पैसे हो गए, मोबाइल हो गया, ये सारी अगर क्लच में आ जाए तो क्लचेस जो होते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये क्लच लिए। तो यहाँ पे मैंने ये दो अलग अलग क्लच लिए हैं, जो कि डिफरेंट पैटर्न के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी क्लच पसंद आ रहा है तो आप बेझिझक होकर आराम से परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हॉल पैक का लिंक मिल जाएगा। अब मैंने परचेज करे हैं कुछ इयररिंग्स, जो कि ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बट स्टिल काफ़ी सुंदर एंड एलिगेंट इयररिंग्स है। तो सबसे पहला जो इयररिंग मैंने लिया है ये कुछ इस टाइप का है, बहुत ही प्यारा सा ये है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैवी भी नहीं है बट बहुत ही सुंदर है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर में मैंने लिया है, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा और बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारा है। ब्लैक कलर के गाउन के साथ में या फिर साड़ी वगैरह के साथ में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और बहुत ही प्यारा है। इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पहनने पर काफ़ी सुंदर लगेगा। आप इसको जो है वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों आउटफिट के साथ में पहन सकते हो, अगर आपने कोई ड्रेस पहना है तो उसके साथ में भी आप इसको डाल सकते हो आराम से, बहुत ही स्मार्ट लगता है। तो सबसे पहला जो इयररिंग था वो ये था। नेक्स्ट मैंने लिया है ग्रीन कलर में, और ये भी बहुत ही प्यारा इयररिंग मुझे लगा। तो कई बार जो होते हैं बड़े बड़े जो हैवी हैवी वाले झुमके होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने ये छोटे वाले लगते हैं ना। आप अगर हेयर को अच्छे से बन वगैरह बना लो एंड उसके बाद में इस टाइप का कुछ वेयर करो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है। तो ये मैंने लिया है ग्रीन कलर का और बहुत ही प्यारा ये वाला इयररिंग है। क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आप देख सकते हो बहुत ही छोटू सा है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, वेट नहीं है। अगर आपको वेटलेस इयररिंग्स पहनना पसंद है ना तो डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपके पास में ग्रीन कलर की कोई साड़ी है या फिर कुर्ती है, गाउन है, उसके साथ में आप इसको डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड लाइट वेटेड है, एट द सेम टाइम दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सुंदर लगेगा।
देख सकते हो दिखने में कितना ज्यादा प्यारा प्रिटी लग रहा है और बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप इसको इसके कलर के ड्रेस। मैंने एक और इयररिंग ली है और ये भी बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी इयररिंग है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये भी। सो ये जो है ब्लू कलर में है, तो ये मुझे काफी टाइम से, मैं इस इयररिंग को देख रही थी अमेजोन पे, मुझे पसंद भी आती थी बट मैं दूसरी चीजों में चली जाती थी और लेती नहीं थी कभी भी। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई कर लिया जाए, और ये भी बहुत ही खूबसूरत इयररिंग है, क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर आपको इस टाइप के कुछ इयररिंग्स लेने हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। बहुत ही प्रिटी है एंड सिंपल और छोटी है, बहुत ही एलिगेंट लगती है पहनने के बाद में। नेक्स्ट मैंने एक और इयररिंग ली है जो कि सेम छोटी है बट बहुत ही सुंदर है। सो नेक्स्ट जो इयररिंग है वो है कुछ इस टाइप की, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी इयररिंग है ये। सो ये वाली जो इयररिंग है ये व्हाइट में है, आप देख सकते हो जितने भी इयररिंग ली है मैंने सबके कलर्स डिफरेंट है। ये वाला व्हाइट डायमंड में है, एक ग्रीन में है, एक ब्लू में है एंड एक ब्लैक में है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। अगर आपको कोई ड्रेस है आपके पास में, कोई गाउन है, कोई सूट है जिसके साथ में आपको मैचिंग की इयररिंग्स चाहिए इनमें से कोई कलर की, तो आप इन चारों में से कोई भी इयररिंग ट्राई कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी है एंड दिखने में जो लुक आता है इनका वो भी काफी ज्यादा सुंदर है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का अमेजोन से शॉपिंग का हॉल वीडियो। अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।